चलिए आगे बढ़े, बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर महासमुंद में पंचायत सचिवों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पंचायत सचिवों ने शासकीयकरण किए जाने की मांगों को लेकर रैली निकाली और तहसीलदार को इस दौरान ज्ञापन सौंपा है। पंचायत सचिव संघ ने बताया है कि पंचायत सचिवों के साथ नियुक्ति और सभी कर्मचारी शिक्षा कर्मियों को शासन ने शासकीयकरण कर दिया है, लेकिन पंचायत सचिव का ही शासकीयकरण अब तक नहीं हो पाया है। पंचायत सचिवों ने कहा है कि विधायकों के अनुशंसा पत्र का सम्मान करते हुए 2 साल की परीक्षावधि समाप्त पश्चात उनका शासकीयकरण किया जाए। सचिव संघ ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनका शासकीयकरण नहीं किया जाता तो आने वाले 24 दिसंबर को वो पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और रैली निकालेंगे। कर्मचारी एकता, हाथ उठा के। हमारा मुख्य मांग है 2 वर्ष परीक्षावधि के बाद हमको शासकीयकरण किया जाए। 25 साल से हमें सरकार चलती आ रही है, हमारी मुख्य मांगों को दरकिनार करते हुए हमें शासन की सभी योजना का काम कराती है। कोरोना काल में हमारे प्रदेश पूरे प्रदेश में 25 साथी शहीद हो गए कोरोना से, उनके प्रति भी आज तक सरकार ने किसी प्रकार का विचार नहीं किया है। सचिव संघ के द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया है। उनके द्वारा नियमितीकरण के संबंध में मांग रखी गई है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री के नाम उनका ज्ञापन आया है, उचित माध्यम से शासन तक पहुंचाया जाएगा। उनकी मांगे जो है वो शासन स्तर से संबंधित है, जैसा शासन से निर्देश प्राप्त होगा या जैसा संघ बताएंगे उसके हिसाब से आगे देखते हैं क्या है।